गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बात के कयास अभी से लगने शुरू हो गए हैं। अब इसी प्रश्न से जुड़ा सुरेश चौहानके का एक ट्विटर पोल उनकी फजीहत का कारण बन गया है। मोदी सरकार के प्रबल समर्थक सुरेश चौहानके के इस ट्विटर पोल पर लोगों ने सबसे ज्यादा राहुल गांधी को वोट किया है। पोल के इन विपरीत परिणामों ने यूजर्स को सुरेश चौहानके को चिढ़ाने का एक और मौका दे दिया है और लोग भी मौके का फायदा उठाकर चौहानके साहब पर जमकर फप्तियां कस रहे हैं। दरअसल बीते शनिवार की सुबह चौहानके ने देश का मूड जानने के लिए ट्विटर पर एक पोल के जरिए यूजर्स से सवाल किया था, प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है। और इस प्रश्न के विकल्प के तौर पर उन्होंने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नीतीश कुमार व ममता बनर्जी के नाम सुझाए थे। चौहानके जी ने शायद इस पोल में मोदी जी की विजय का अनुमान लगाया था, लेकिन महज एक दिन की वोटिंग में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को पछाड़ दिया। अब तक इस पोल में 90,000 से भी ज्यादा लोग वोट कर चुके, जिनमें से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को 3-3% वोट मिले हैं, जबकि पीएम मोदी 42% वोट के साथ दूसरे नंबर पर। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पसंद करने वाले यूजर्स की संख्या कुल वोट का 53%, यानी कि सबसे ज्यादा है। हालांकि ये पोल अभी तक खुला हुआ है और अगले 5 दिनों तक कोई भी यूजर इसमें वोट कर सकता है। आप भी इस पोल पर जाकर अपने पसंदीदा नेता को वोट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इस पोल के बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल चौहानके साहब की इस पोल में राहुल गांधी की बढ़त ने उनकी फजीहत के द्वार खोल दिए हैं। लोग इस पोल के रुझानों के आधार पर चौहानके का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने चौहानके पर कटाक्ष करते हुए कहा, सुरेश चौहानके ने उल्टे धनुष और तीर से खुद को बनाया निशाना, इसे कहते हैं खुद का झारखंड करना। एक अन्य यूजर ने चौहानके और मोदी के लिए लिखा, पोल डिलीट मत करना, तुम्हारा पोल बता रहा है कि फकीर के झोला उठाने का समय आ चुका है, अब पूरा देश जान चुका है कि चौकीदार ही चोर है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने चौहानके का मजाक उड़ाते हुए कहा, लग गए इसके। दोस्तों, आपको क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? हमें अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और रोचक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।